गुड मॉर्निंग एवरी वन होप यू ऑल फाइन सो टुडे वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर सेकेंड ऑफ हिस्ट्री दैट इज़ क्लोनलाइजेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में एज अ स्मॉल ट्रेडर्स आए और कैसे उन्होंने एक्वायर्ड करी हमारी कंट्री की पॉलिटिकल पावर्स और धीरे धीरे टेरेटरीज भी एक्वायर कर ली So in this chapter, these eight topics contain first introduction, then second, advent of European countries. Basically, how European countries arriving in our country. So start with introduction. As you all know that Aurangzeb was the last powerful ruler, Mughal ruler, and he died in seventeen hundred and seven. But after his death. मैनी पावरफुल मुग़ल गवर्नर्स जो भी पावरफुल मुग़ल गवर्नर्स थे सूबेदार एंड जमींदार उन्होंने आफ्टर डेथ ऑफ़ औरंगजेब जो सारी अथॉरिटी थी औरंगज़ेब की उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इसी तरीके से दिल्ली की जो पावर है वो ख़त्म हो गई इन दिस वे अ न्यू पावर एमर्ज वायेदा जैसे ही जो औरंगजेब की डेथ के बाद जो डेली का सेंटर जो बहुत पावरफुल था वो वीक हो गया और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिशर्स ने एट द टाइम ऑफ सेकेंड हाफ ऑफ द एटीन सेंचुरी केम एज अ स्मॉल ट्रेडर इन आवर कंट्री एंड ग्रेजुअली एक्वायर्ड ऑल द पॉलिटिकल पावर्स ऑफ आर कंट्री नाउ नेक्स्ट टॉपिक एडवेंट ऑफ़ यूरोपियन कंपनीज हाउ यूरोपियन कंपनीज अराइविंग इन आर कंट्री एंड वेन By the end of the 16th century, Europeans start their overseas trade with the East to yield huge profit. तो so, उसमें से कुछ groups of merchants थे जिन्होंने वो permitted by the rulers. Rulers ने उन्हें permission दी of some European countries कि आप जो है अपनी trading companies यहाँ पे establish कर सकते हैं तो उसके बाद जो है यूरोपियन कंट्री कंपनीज को एक मोनोपोली एक्सक्लूसिव राइट भी प्रोवाइड किया गया जिसकी रिटर्न में रूलर्स को कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट यूरोपियन कंपनीज प्रोवाइड करते थे देन आफ्टर यूरोपियन कंपनीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव्ड इन इंडिया एट इन द ईयर सिक्सटीन हंड्रेड इन दिस द रॉयल चार्टर वॉज ग्रांटेड बाय The Elizabeth first to the East India Company. This gave them इस charter से इनको क्या फ़ायदा हुआ इनको ये right मिला कि ये ही सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं अकेले किसके साथ ईस्ट इंडिया के साथ तो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रॉड गुड्स फ्राम द इंडियाज ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी कि इंडिया से गुड्स लेके आती थी कम प्राइस पे और उसको आगे फर्दर यूरोप में क्या करती थी हायर प्राइस में सेल करती थी बेसिकली जो जो हमारी ये ब्रिटिशर्स थे इंडिया और यूरोपियंस के बीच के इंटरमीडिएटर थे और ये किन कॉम्योडिटीज़ में डील करती थी लाइक सिल्क एंड कॉटन प्रोड्यूस इन इंडिया एंड हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप स्पाइसेस लाइक पेपर क्लव्स कार्डमॉन एंड सैनमॉन वर इन ग्रेट डिमांड ज़्यादातर डिमांड जो इंडिया से स्पाइसेस की आती थी तो इंडिया में सबसे ज़्यादा स्पाइसेस होते थे तो इंडिया से सबसे ज़्यादा स्पाइसेस कौन से लिए जाते थे पेपर क्लॉव कार्डमॉम एंड सेनम वर इन अ ग्रेट डिमांड शी इज़ द इंग्लैंड रूलर क्वीन एलिजथ फर्स्ट हु ग्रेंटेड द रॉयल चार्टर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी now after english east india company french east india company also set up their uh कंपनीज ऐट चंदन नगर बेंगाल माहे केरला पोंडुचेरी ऑन द ईस्ट कास्ट एंड मोरिशस इन द इंडियन ओशन इन सिक्सटीन सिक्सटी फोर ये जो पूरी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको कौन फंडिंग करता था कौन फाइनेंस करता था फ्रेंच गवर्नमेंट फाइनेंस करती थी और यहाँ पर सबसे मेजर रोल कौन प्ले करता था जो हेल्प करता था फ्रेंच पावर को एक्सपेंड करने में वो डुप्लेक्स थे डुप्लेक्स वॉज द फ्रेंच गवर्नर जनरल एट पोंडुचेरी तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि यूरोपियन पहले यूरोपियन कंपनीज़ आए पॉर्चुगिज डच आए फिर उसके इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच आए तो ये जब सारी कंपनीज एक जगह इकट्ठी हो गई ट्रेड करने लगी तो इनके बीच में क्या है रिवाइवरी इन ट्रेड स्टार्ट हो गया कंपटीशन स्टार्ट हो गया तो ये सारी कंपनीज़ एक दूसरे को क्या करने लगी नीचा दिखाने लगी अब ऑल ऑफ देम वॉन्ट टू तो बाई गुड एट लो प्राइज़ इन इंडिया एंड सेल देम एट वेरी हाई प्राइज़ पर्टिकुलरली इन स्पेशली इन यूरोप द नीड टू सिक्योर मार्केट रिजल्ट इन एग्रेसिव वॉर बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज ड्यूरिंग दिस पीरियड ट्रेड वॉज कैरिड ऑन द विद आम एंड रिवाइव कंट्रीज रेगुलरली सैंक ईच अदर एक दूसरे को हराने में लगे हुए थे सारे सब कॉम्पिटिशन के बीच में तो एट लास्ट क्या रिजल्ट निकला कि पोर्चुगीज और डच जो है ट्रेड से इंडियन ट्रेड से आउट हो गए और ए लास्ट में कौन बची इंग्लिश एंड द फ्रेंच ये दोनों जो है अब इंडिया और यूरोप के बीच में ट्रेड करते थे फिर कुछ टाइम बाद एट द मिडल ऑफ एटीन सेंचुरी क्या हुआ एंग्लो फ्रेंच कंपटीशन स्टार्ट हो गया अब इंग्लिश और फ्रेंच इन दोनों के बीच में क्लैशेज आने लगे और इन दोनों के बीच में वॉर हुआ और उसमें से थ्री एंग्लो फ्रेंच वॉर हुए जिसमें से एक कार्नेटिक वॉर था जो कि काफ़ी लंबे समय तक चला अराउंड कुछ ट्वेंटी ईयर्स तक एंड ये जो वॉर था ज़्यादातर कहाँ पर हुआ कौन सी स्टेट में तमिलनाडु में नाउ कम टू द ब्रिटिश कॉन्स्ट ऑफ बेंगोल सबसे पहले जो इंग्लिश फैक्ट्री इस्टैब्लिश हुई थी वो कब हुई थी सिक्सटीन फिफ्टी वन में और कहाँ पर हुई थी बैंक ऑफ रिवर हुगली में ये जो फैक्ट्री स्टार्ट हुई थी इसको फैक्टर्स बोला जाता था और इस फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस ऑफिसज और वी कैन से दैट द रेजिडेंशियल क्वार्टर्स आर ऑल्सो अवेल्ड हेयर एस ट्रेड एक्सपेंडेड जैसे ही ट्रेड बढ़ता गया कंपनी परसुएडेड मर्चेंट एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्रीज और नियर फैक्ट्रीज के पास ट्रेडर्स रहने लगे एंड सिक्सटीन सेवनटी वन में क्या हुआ कंपनी एक्वायर्ड जमींदारी राइट सिक्सटीन सेवनटी वन में कंपनी को जमींदारी राइट्स प्रोवाइड कर दिए गए जिसमें उनको फुल राइट दिया गया कि बेंगाल में रेवेन्यू कलेक्शन कौन करेगा ब्रिटिशर्स करेंगे कंपनी परसुएडिड मुगल एम्पर औरंगजेब टू इशू फरमान ऑर्डर प्लान कंपनी टू राइट टू ट्रेड ड्यूरिंग फ्री जब औरंगज़ेब के टाइम पे लोगों इन लोगों ने स्टैब्लिश स्टैब्लिश की थी कंपनी तो वो लोग ये चाहते थे कि हमें औरंगज़ेब क्या है फरमान इशू करें जिससे कि वो क्या है अपना जो ट्रेड क्या है ड्यूटी फ्री कर सकें बट जब वो औरंगजेब की बनाए हुए ट्रेड रूल्स को तोड़ते थे ब्रिटिशर्स तो औरंगजेब उस टाइम पे क्या करते थे वॉर डिक्लेयर करते थे और उस टाइम ब्रिटिशर्स को हरा दिया करते थे फिर कंपनी ने क्या किया पहले औरंगजेब को अपने कॉन्फ्रेंस में लेके आए फिर उनको उनसे राइट मांगी कि परमिशन ली कि वो अपना जो ट्रेड क्या है ड्यूटी फ्री वहाँ पे कर सकते हैं और उसकी जगह पे वो औरंगजेब को एनुअली क्या करेंगे पेमेंट करेंगे जो भी उनका शेयर ऑफ प्रॉफ़िट होगा बट औरंगजेब तो सेवनटीन हंड्रेड एंड सेवन में उनकी डेथ हो गई थी उसके बाद बंगाल ने क्या किया अपना बिजनेस वहाँ पे कंपनीज अपनी इंक्रीज़ करी और अपना काम स्मूथली वहाँ पे चलाने लगे फिर वहाँ पे क्या हुआ बंगाल में इन्होंने इनका कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया बंगाल के नवाब के साथ कंपनी का और उस सिचुएशन में कुछ इवेंट्स हुए जैसे कि बैटल ऑफ फ्लासे उसका रिज़ल्ट निकला और बैटल ऑफ बॉक्सर तो सबसे पहले जो इनके स्ट्रॉग रूलर थे नवाब ऑफ बंगाल के बंगालस के जो नवाब थे मुर्शिद कुली ख़ान शराज एंड एन अलीवरदी थे और 1756 में बंगाल की इतनी बुरी हालत हो गई थी शराजुल्ला ने कुछ कंडीशंस रखी ब्रिटिशर्स के साथ नेगोशिएशन लिया बट उसमें क्या हो गए वो फ़ेल हो गए और उन्होंने क्या किया ब्रिटिशर्स के सारी फैक्ट्री और जो फोर्ट किला थे वो सारे अपने कंट्रोल में कर लिए फिर ये जो बैटल ऑफ प्लासे बैटल ऑफ बॉक्सर हुआ बैटल ऑफ प्लासे होने का क्या रीज़न था एक्चुअली uh, प्लासे इज़ अ प्लेस एंड यहाँ पे ये वॉर हुआ था और ये वॉर किस वजह से हुआ था जो शराजुल्लाह थे उनका वॉर हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ और सिराजुदल्ला का मीर जफर जगत सेठ और ओमीचंद चंद ने साथ नहीं दिया क्यों क्योंकि रॉबर्ट क्लिम ने इनके साथ क्या करी थी प्लानिंग करी थी कि हमें अब क्या करना है सिराजुदुल्ला को यहाँ से हटाना है तो ये तो एक बैटल ऑफ प्लासे का ये सीन था और बैटल ऑफ प्लासे ट्वेंटी जून 1757 में हुई और ये किसके बीच में हुई थी अगेंस्ट द नवाब्स ऑफ़ बंगाल एंड ब्रिटिश एमर्ज विक्टोरियस और यहाँ पे कौन जीते थे ब्रिटिशर्स यहाँ पे विक्ट्री हासिल करी थी फिर अगर हम बैटल ऑफ बॉक्सर की बात करें बैटल ऑफ बॉक्सर जो है 1764 में हुई थी और ये किसके बीच में हुई थी ये हुई थी फोर्स अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मुग़ल एम्पर शाह आलम सेकिन के इनके बीच में ये बैटल हुई थी